इकोनॉमिक्स। वेलकम टू दिस क्लास ऑन इकोनॉमिक्स। माय नेम इज मिस्टर नयन कापड़िया एंड इन टुडेज क्लास वी विल लर्न वेरी फेमस लॉ ऑफ डिमांड। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। इंट्रोडक्शन। द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स which was published in year 1890. The law explains the functional relationship between price and quantity demanded. तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो 1890 में लिखी गई थी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और ये लॉ क्या बता रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो। तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है? स्टेटमेंट ऑफ लॉ। सो मार्शल के शब्दों में अगर देखा जाए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड द लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर बाकी सभी फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रखा जाए या इक्वल रखा जाए तो जैसे ही किसी भी कमोडिटी की प्राइस ज्यादा बढ़ जाती है कंज्यूमर कम डिमांड करते हैं, और जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है, कम रखी जाती है, तो कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करते हैं। ये तो आपने भी अपने नॉर्मल जीवन में अनुभव किया होगा। वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, डिमांड फॉर इट फॉल्स, एंड When the price of a commodity falls, demand for the commodity rises. Thus, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। There is an inverse, there is an opposite relation. See, you will observe जब जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ी तो डिमांड फॉल हो गई, और जब ही उस कमोडिटी की प्राइस घटी तो डिमांड राइज हो गई, यानी कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है, जब प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो ये साबित हो गया कि जो रिलेशन है फंक्शनल रिलेशन वो कैसा है, इनवर्स है, ऑपोजिट है। इफ यू वांट टू डिस्क्राइब दिस रिलेशनशिप सिंबॉलिकली देन डी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी। नाउ व्हाट इज नाउ यू विल गेट कंफ्यूज कि ये क्या है सर। तो डी स्टैंड्स फॉर डिमांड फॉर अ कमोडिटी, एक्स इज द कमोडिटी, इट कैन बी एनीथिंग, एफ इज द फंक्शन। सो व्हाट फंक्शन डिस्क्राइब, इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। हियर व्हाट आर द टू वेरिएबल्स, वन इज प्राइस एंड अदर इज डिमांड, वन इज डिपेंडेंट अदर इज इंडिपेंडेंट। P stand for the price of a commodity. So I think this much is clear till now. If you want to show the relationship in symbolically, then D is equal to function of P. तो ये तो हमने सीख लिया। अभी अगर हमको इसको और डिटेल में समझना है, we can understand with the help of demand schedule. This is a very simple demand schedule and you will be really easily able to understand what we are trying to learn. So on the first column you will see, you are able to see the price of the commodity, and on the second column you will see the quantity demanded. Here the commodity is X, the name of the commodity is X, and the price it is mentioned in rupees, and the commodity demanded is in kilograms. As shown in the above table, when the price of commodity X is 50, the quantity demanded is 1 kg. आपने देखा टेबल में जब X प्राइस की 50 रुपए की उसकी कीमत थी तो कंज्यूमर ने कितना डिमांड किया, 1 किलो। This falls from 50 to 40, the quantity demanded rise from 1 kg to 2 kg. जैसे ही प्राइस कम कर दी, फॉल कर दी, 50 से 40 कर दी, तो उसकी डिमांड
एक किलोग्राम से 2 किलोग्राम हो गई। सिमिलरली एट द प्राइस 30 क्वांटिटी डिमांडेड इज 3 केजीज एंड व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 20 to 10 क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 4 केजी to 5 केजी। जैसे जैसे ही प्राइस एक्स कमोडिटी की प्राइस 50 से 40 से 30 20 10 हो गई, वैसे वैसे ही कंज्यूमर की उसकी डिमांड किलोग्राम में 1 किलो से 2 किलो से 3 4 5 ऐसे बढ़ गई। एट द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस एंड व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है कंज्यूमर उसकी ज्यादा डिमांड करने लगता है, और जैसे ही प्राइस बढ़ जाती है डिमांड कम हो जाती है। तो क्या पता चल रहा है, अगेन हमको समझ में आ रहा है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, एक ऑपोजिट रिलेशन है, एक दूसरे के विरुद्ध का उनका संबंध है। अब इसको हम और डिटेल में समझते हैं कि सपोज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सिंबॉलिकली और थ्रू अ टेबल शेड्यूल, देन वी कैन जस्ट ड्रॉ डिमांड कर्व यूजिंग दैट टेबुलर डेटा। वी कैन ड्रॉ डिमांड कर्व टू अंडरस्टैंड इजीली, हम डिमांड कर्व से भी उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नाउ इफ यू लुक एट दिस डिमांड ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज हॉरिजॉन्टल, यू कैन सी द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर इज गिवन 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg ऑन द एक्स एक्सिस। And if see on the y-axis, you will find the price of that commodity mentioned in rupees, 10 rupees, 20, 30, 40, 50, etc. And DD, it is a demand curve. You can see one curve which is downward sloping, that we called as demand curve. DD is a demand curve which slopes downward from left to right to an inverse. Due to why it is sloping from left to right? Because there is an inverse relationship. आप देखिए, first commodity when the price was the commodity was rupees 50, consumer demanded only 1 kilogram. You can see, as the price fall from 40, consumer is demanding 2 kilogram. When the price again falls from 30, the demand increases from 3 kilogram. As more price falls, 20 rupees per kg, now consumer is demanding more. 4 kg and so on. So you can see there is an inverse relationship. So friends, I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके सभी डाउट लॉ ऑफ डिमांड को लेके क्लियर हो गए रहेंगे आने वाले दिनों में, हो गए होंगे डाउट क्लियर। आने वाले समय में हम ऐसे और भी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे फ्यूचर के सभी वीडियो आपको मिल जाएं समय पे। थैंक यू।